सच के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मिर्जापुर जिले में रोपवे सहित विंध्य कॉरिडोर का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। आयोजित सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की जानकारी दी। अखिलेश और मायावती पर भी उन्होंने विकास को लेकर कटाक्ष किया। क्षेत्र के नक्सलवाद की समाप्ति, अपराधियों की संपत्ति सहित कानून व्यवस्था की उपलब्धियों का भी उन्होंने बखान किया। किसान और गरीब लोगों के हितों की योजनाओं को भी उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से ही भाजपा को काम करने की ताकत मिलती है। देश के 135 करोड़ की जनता और 80 करोड़ जनता और बालिकाओं और बच्चों का हित होता है। आपने भाजपा को मौका दिया, 2022 में भी भाजपा को आपका आशीर्वाद मिलेगा। चाहता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना, और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। और मित्रों, ये यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। सच के साथ।